हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, कुछ मैच भी हो गए। तो आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 15वें मैच की, जो कि खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में। यह मैच आपको 2 अप्रैल को बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस, मैच, सीजन की अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करते हैं विनिंग पर्सन देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 40% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 53% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं अवे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का अवे स्कोर 167 है, वहीं पर सेकंड इनिंग का अवे स्कोर 148 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का, हेड टू हेड चेक करते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में अभी तक टोटल 4 मैच खेले गए, जिसमें से लखनऊ 1 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर बेंगलोर 3 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पहली टीम यानी बेंगलोर का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे पहले मैच में चेन्नई से मिली हार के बाद आरसीबी ने कमबैक करते हुए नेक्स्ट मैच में पंजाब को हरा दिया, अगले मैच में फिर से अगेन केकेआर से पीट गई। वहीं पे विराट कोहली की फॉर्म टीम के लिए गुड न्यूज है, डुप्लेसिस अब तक बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं, जहाँ पे विराट कोहली 5 डुप्लेसिस जो टीम के लिए ओपनिंग कर रहे हैं और अच्छा स्टार्ट भी दे रहे हैं। कोहली ने बेहतरीन इनिंग खेलते हुए 83 रन बनाए थे, वहीं पे कोहली 181 रन बना के लीडिंग रन स्कोरर भी है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कैमरन ग्रीन, जो कि अब तक फ्लॉप चल रहे हैं, जहाँ पे रजत पटीदार भी फ्लॉप चालू है। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल जो कि आउट ऑफ फॉर्म में, वो भी दिख रहे हैं। फिनिशिंग में दिनेश कार्तिक, अनुज रावत है, जहाँ पे कार्तिक अब तक अच्छे टच में दिखे हैं। वहीं बॉलिंग में बात करें, जो कि बॉलिंग अब तक पूरी तरह पिट रही है, दोनों मैच में परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला, जहाँ पे इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज टीम के लिए फ्रंट लाइन बॉलर है, लास्ट गेम में उन्होंने 46 रन दे दिए थे। यश दयाल को लास्ट गेम में बैटिंग से बहुत मार पड़ी थी, जहाँ पे स्पिन बॉलिंग में करण शर्मा के जगह विजय शंकर व्यास को आए थे। मयंक डारे भी अच्छे टच में दिखे, जहाँ पे अल्जारी जोसेफ के जगह इस मैच में लॉकी फर्गूसन को चांस मिल सकता है। अब बात करते हैं बेंगलोर का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ फैफ डुप्लेसी से विराट कोहली है, रजत पटीदार है, ग्लेन मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन है, दिनेश कार्तिक है, अनुज रावत है, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गूसन और मयंक डागर। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि दिनेश कार्तिक है, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज है। तो अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पर टीम में टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट हुआ, टीम पहले ही मैच में स्थान से हार गई, लेकिन अगले मैच में टीम ने पंजाब को हरा कर जीत का खाता खोला। टीम के लिए ओपनिंग में जहां पर क्वेंटन डीकॉक और केएल राहुल ने किया था, डीकॉक ने 54 रन बनाए थे। नंबर 3 पर जहां पर देवदत्त पटेकर जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, जहां पर आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा टीम के लिए अब तक रन नहीं बना पा रहे हैं। जहां पर लोअर बैटिंग ऑर्डर मार्कस स्टोनी जो कि वो भी फ्लॉप चल रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज के निकोलस पुरन 42 रन बनाए थे। वहीं टीम की बॉलिंग की बात करेंगे, जो कि काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, और जहां पर नवीन उल हक जो कि विकेट लेस थे, मोहसिन खान ने भी 2 विकेट लिया था। स्पिन बॉलिंग में आपको रवि बिश्नोई टीम के लिए एक्स फैक्टर है, टीम के लिए डिब्यूट मयंक यादव ने 150 प्लस स्पीड बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिया था, जहां पर एम सिद्धार्थ को भी मौका मिला था। अब बात करते हैं लखनऊ का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे क्वेंटन डीकॉक है, केएल राहुल है, देवदत्त पटेकर है, निकोलस पुरन है, आयुष बदोनी है, मार्कस स्टोनी से कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, मयंक यादव, मोहसिन खान। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि केएल राहुल है, निकोलस पुरन है, मोहसिन खान है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले टॉस प्रिडिक्शन की बात किया जाए। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का यहाँ पे टॉस विनर यहाँ पे बैंगलोर होगा। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके विनर देखते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे बैंगलोर होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।